नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा। हाल ही में भारत की नंबर 2 आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक ऐसी सलाह दी जिस पर सोशल मीडिया भी कई धड़ों में बढ़ गया और माहौल एकदम गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति के हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाले विचार के बाद सोशल मीडिया अभी तक गर्म है और एक के बाद एक अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उनके विचार पर। कुछ लोग सहमत दिखते हैं तो कुछ लोग नाराज दिखते हैं। और ऐसे में जो उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति, उनका रिएक्शन आया। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको जो भारत पे के को फाउंडर है अश्विनी ग्रोवर ने उनके ऊपर जो क्या रिएक्ट किया इस बयान के ऊपर, वो हम आपको बता देते हैं। तो अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि आम जनता ने नारायण मूर्ति के इस बयान को बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया होगा, क्योंकि काम को अभी भी रिजल्ट के बजाय कार्यस्थल पर बिताए गए समय के आधार पर देखा जाता है। यानी कि कितने घंटे आपने टाइम स्पेंड किया ऑफिस में वो मायने रखता है, क्वालिटी टाइम मैटर नहीं करता। ये उनका कहना है। ग्रोवर ने आगे लिखा कि दूसरी बात यह है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे युवाओं का आलसीपन ही भारत को विकसित होने से रोक रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक ये भी लिखा कि वो अपना जीवन तो गुजार चुके हैं नारायण मूर्ति, लेकिन वो युवाओं की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रतिक्रिया रही है। लेकिन अब ऐसे में नारायण मूर्ति की जो पत्नी है सुधा मूर्ति ने मीडिया से खास बातचीत की और वो इस पूरी डिबेट पर क्या सोचती हैं उन्होंने इस बारे में बताया है। हमेशा से सीधी बात करने वाली सुधा मूर्ति ने कहा कि नारायण मूर्ति हफ्ते में खुद 80 से 90 घंटे तक काम करते हैं, उससे कम काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो वो उससे कम काम करने के बारे में ना ही वो जानते हैं ना ही वो सोचते हैं। वो असली हार्डवर्क करने में भरोसा करते हैं और उन्होंने उसी तरीके से जीवन जिया है। यहाँ तक कि इन दिनों कॉरपोरेट में काम के हालातों पर भी सुधा मूर्ति ने खुलकर बात करी। उन्होंने कहा कि लोगों के अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन नारायण मूर्ति ऐसे ही रहते थे। उन्होंने जो कहा वैसा ही वो करते हैं और उन्होंने केवल अपना अनुभव साझा किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी साफ तौर पर सुधा मूर्ति का कहना है कि इस एज में भी 80 से 90 घंटे नारायण मूर्ति काम करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अनुभव दिखाता है और मेहनतपन दिखाता है, हार्ड वर्क दिखाता है। आपको बताते हैं कि नारायण मूर्ति ने जो 70 घंटे वाला बयान दिया इसके पीछे की कहानी क्या है। कुछ दिन पहले 314 कैपिटल के पॉडकास्ट के एक एडिशन में इंफोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई के साथ जो एक इंटरव्यू हुआ था नारायण मूर्ति का, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो कम जो हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मूर्ति ने कहा कि युवाओं की मेहनत के विषय पर बेसिकली उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि युवाओं को देश के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश से प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश के युवाओं को ज़्यादा घंटे काम करना होगा, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने किया था। तो ये ओवरऑल आपको बताने के इस मकसद था कि भाई पहली बार जो सुधा मूर्ति का जो रिएक्शन आया है वो क्या आया है, क्या वो नारायण मूर्ति के विचारों से सहमत है या फिर वो नहीं है, क्योंकि वो खुलकर बात करती हैं। वो एकदम बिल्कुल साफ तौर पे बताती है कि वो क्या सोचती हैं। और ऐसे में उनका साफ तौर पे बयान आया है कि वो 80 से 90 घंटे काम करते हैं हफ्ते के अंदर। वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क में बिलीव करते हैं नारायण मूर्ति, और जो जैसे वो हैं वो वैसे ही दिखते हैं और वैसे ही बयान देते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।